जब बैठे तो हमने रियलाइज करा कि ठीक है, एक बैंटर था वन ऑन वन हमारा, वो कुछ बोल रहा था, हम कुछ बोल रहे थे, वो कुछ बोल रहा था। सो हे गाइस, आप सबको पता होगा कि फुकरानसन और एलविस यादव के बीच में बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था नेगेटिव पीआर को लेकर, और भी बहुत सारे नेगेटिविटी था इस चीज को लेकर, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था। तो गाइज यार, कुछ दिनों पहले दोनों ने मिलकर ये सब चीज सॉर्ट आउट कर लिया था, और उसी वीडियो में एक अदर पर्सन एलविस यादव को बोलता है कि एलविस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, तो वहां पे फुकरानसन बोलता है क्या मैं बोल सकता हूँ। तो गाइज यार, उसी चीज का एक मीम आया है और उस पर जो है फुकरानसन ने रिएक्ट किया और क्या कुछ बोला है, चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूँ। उससे पहले प्लीज यार मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और गाइज यार चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन है तो प्लीज यार शेयर जरूर से कर देना। एलविस भाई बोल सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं। ये रोस्ट मोड नहीं है ब्रो। आज हमने बहुत गहरी डिस्कशंस करी हैं। हाँ सच्ची में, जिससे एलविस को रियलाइज हो गया कि वो गलत था। बहुत लोगों को पता नहीं उस दिन क्या हुआ, तो मैं तो मेरे को बताता हूँ। पहले एक बार पूरा देख लेते हैं। और जोरा जबी वाली रील तो हमने बनाई दोनों ने, जोरा जबी। I'll be very honest, this is not a roast, this is actually we were talking और हम एक दूसरे को अलग अलग पॉइंट्स मार रहे थे। हम जब बैठे तो हमने रियलाइज करा कि ठीक है, एक बैंटर था वन ऑन वन हमारा, वो कुछ बोल रहा था, हम कुछ बोल रहे थे, वो कुछ बोल रहा था, फिर हम तो चुप्पी हो गए थे, हमने कहा हमें नहीं बोलना, मतलब टू एंड फ्रो चल रहा था। बट जो हमने रियलाइज करा इज दैट यार, हम बिग बॉस में जितने प्यार से जितने अच्छे हम रहे ना, एकदम भाईचारा ऑन टॉप। और अगर तुम नोटिस करो बिग बॉस OTT में एक बहुत पॉजिटिव वाइब थी यार, मैं और एलविस जैसे थे, भाईचारा ऑन टॉप था, वो हमने रियलाइज करा कि होना भी चाहिए और हमेशा आगे रहना चाहिए। तो फिर हमारी सारी भसड़े खत्म हो गई, एंड नाउ वी आर बैक भाईचारा ऑन टॉप।